हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्मार्ट वॉच का स्क्रीन गार्ड को अनबॉक्सिंग एंड फुल रिव्यू करके दिखाने वाला हूं। सो गाइस, आप देख सकते हैं, इसे मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था और इसे मैंने बोट स्ट्रॉम वॉच के लिए ख़रीदा था। तो गाइस, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसे मैं ओपन करता हूँ अभी। कुछ इस टाइप से पैकिंग होकर आया था ये। तो इसके अंदर मेरे को मिला था, सबसे पहले मेरे को ये इनवॉइस मिला था। इसे हम लोग करते हैं साइड, इनवॉइस। हाँ, ये इनवॉइस ही है। उसके बाद ये वाइप्स मिले थे, दो वाइप्स थे और ये कुछ इंस्ट्रक्शन था इसमें दिया गया, और एक छोटा सा कपड़ा भी दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा मेन दो स्क्रीन गार्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं, ये हमारा स्क्रीन गार्ड है वॉच का। तो चलिए अब इसे हम लगा कर देखते हैं। इसे करते हैं साइड। तो सबसे पहले हम लोग अपना इसको वाइप्स को ले लेंगे। सबसे पहले इसे लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं, इसमें कुछ थोड़ा लिक्विड सा मिला हुआ है। थोड़ा गाइस, ये थोड़ा गीला है, इससे आपको साफ़ कर लेना है। और उसके बाद आपको सूखा कपड़ा दिया गया था, उसके बाद इससे आपको फिर क्लीन कर लेना है। इसके बाद आपको देखना है कि प्रॉपर फिक्स हो रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे मेरा नहीं हो रहा है। देख रहे हैं, ऊपर भी छूट जा रहा है और नीचे भी छूट जा रहा है। फिर भी मैं इसे लगाकर कोशिश करता हूँ, ये लग पाता है कि नहीं। तो सबसे पहले स्टेप वन का, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे रिमूव कर लेना है आपको एक लेयर को। तो सो गाइस, आपको यहाँ पे अच्छे से लगा लेना है, और अगर आपके पास कोई टूल है तो उससे आप लगा लें, वो ज़्यादा अच्छे से लग जाएगा। यहाँ पे मैं ऐसे लगा कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं, ये लग तो गया है, लेकिन ये प्रॉपर वे में नहीं लग पाया है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसे कोशिश कर रहा हूँ लगाने का, लेकिन ये नहीं लग पा रहा है। इसके बाद हम लोग इसका सेकेंड लेयर भी निकाल लेते हैं। ये इस साइज़ का, इस वॉच का लग ही नहीं रहा है कि ये इस वॉच का है, लेकिन मैंने मॉडल सेलेक्ट करके ही इसे मंगाया था। मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा था, इसी मॉडल का था। मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ, क्योंकि मैंने स्ट्रोम का ही मंगाया था, लेकिन ये स्ट्रोम का है नहीं, या मे बी हो सकता है, लेकिन इसमें ये अच्छे से फिक्स नहीं हो पा रहा है। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रहा है इसे फिक्स करने में भी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा रहा स्क्रीन गार्ड। तो चलिए इसे लगा लेते हैं हम। ये बस मैं आपको बस ऐसे ही लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर वे में लग ही नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको लगा कर दिखा रहा हूँ। सो गाइज, अगर आप भी सोच रहे हैं कि मैं अपने भी स्ट्रोम वॉच के लिए स्क्रीन गार्ड मंगा लूँ ऑनलाइन, तो ये वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि इसे मैंने 179 रुपीज़ में परचेज़ किया था, दो पीस, जो मेरे को फुल वेस्ट ऑफ मनी लगा, क्योंकि इसमें रिटर्न पॉलिसी भी नहीं थी। सो गाइस, आप देख सकते हैं, लग तो गया, लेकिन ये प्रॉपर वे में नहीं लगा है, क्योंकि इसमें जैसे ही डस्ट आएगा साइड में, उसके बाद ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। सो गाइस, इसके बारे में अगर और कुछ जानो आपको डिटेल में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।